विजिलेंस की टीम ने पुनाना से 1500 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पटवारी को रंगे हाथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पटवारी के बारे में लंबे समय से शिकायत आ रही थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आरोपी पटवारी की पहचान रामदेव पुत्र प्रभातीलाल निवासी गांव बिछोर के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार पुनाना खंड के गांव डोडोली निवासी इस्माइल पुत्र भोरे खां अपने पिता की विरासत के कार्य को कराने के लिए कई दिनों से अपने गांव डोडोली से पटवारी विनोद के चक्कर काट रहा था, लेकिन पटवारी बार बार उनसे रिश्वत की मांग कर रहा था। बीते 24 मई को अपने पिता की मौत के बाद विरासत कराने की एवज में उनकी विनोद पटवारी को 1500 रुपये देने की बात हुई। शुक्रवार को शिकायतकर्ता इस्माइल ने पटवारी विनोद को फ़ोन किया, लेकिन विनोद पटवारी शुक्रवार को किसी कार्य से बाहर चला गया, जिससे उन्होंने उक्त राशि को पटवारी रामदेव को देने की बात कही। शिकायतकर्ता इस्माइल ने शुक्रवार को इस बारे में स्टेट विजिलेंस की टीम को सूचना दी। इसके बाद एक टीम गठित की गई और मौके पर पुनाना पहुँचकर आरोपी पटवारी को 1500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। देखिए रिपोर्ट। पटवारी को अरेस्ट किया है, क्या मामला था, क्या डिमांड है? आज दिनांक 27/5/2022 को शिकायतकर्ता इस्लाम ने शिकायत की थी, मतलब उसके इलाके डोडोली का पटवारी विनोद उससे जो है उसका विरासत चढ़ाने के नाम पर 1500 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। उस पर टीम गठित करके रेड की गई, तो फिर उसने बताया कि जो है उसका साथी रामदेव पटवारी को पैसे देते हैं, तो रामदेव पटवारी ने 1500 रुपए ले लिए, जिसको रेड हैंडेड गिरफ्तार कर लिया और उससे वो डॉक्यूमेंट्स बरामद कर लिए। मेन मुजरिम है वो कब तक? मेन मुजरिम को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।